नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज करावली न्यूज़ नेटवर्क की ख़ास मुलाकात में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ भटकल के मशहूर हॉस्पिटल लाइफ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सलमान जुबापू साहब मौजूद हैं। हम उनसे उनका सबसे पहले करावली न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। सर आपका इस्तकबाल है, और मैं सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि लाइफ केयर के सिलसिले में यहाँ पर क्या एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जो आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं, और जिससे वो नाज़रीन भी जो है इससे इस्तिफादा हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया KNN का, जो मुझे एक मौका दिया इस मीडियम के ज़रिए मैं लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ, उनको बता सकूँ कि लाइफ केयर में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और लोग जो हैं भटकल के इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़े बैकग्राउंड में जाते हुए मैं आपको कुछ बातें बताऊं। तकरीबन 3 साल होने आ रहे हैं लाइफ केयर को शुरू किए। मार्च 2020 में एक कठिन दौर था, लॉकडाउन और सील डाउन का, पैंडेमिक का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम गुज़रे और जो है अब चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो रही हैं। और वहाँ से लेके अब तक जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे। डॉक्टर्स को जमाने में और टीम को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, और कुछ लोग रोज़े अव्वल से हमारे साथ हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 5 डॉक्टर्स की टीम है, और ये पूरे 5ों के 5 इन हाउस डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा 3 डॉक्टर्स विजिटिंग होते हैं, कंसल्टेंट्स, जो वीकली होते हैं, मंथली होते हैं। हमारे पास फुल टाइम अवेलेबल 5 डॉक्टर्स हैं। एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर केनेथ क्रिस्पिन। जितने भी जनरल BP, शुगर, ये अपनी महारत जो है डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ये डायबिटीज़ में अपनी महारत रखते हैं, और जो है BP, शुगर, ये तमाम चीज़ों के अलावा बाकी जनरल बीमारियों का इलाज करते हैं। इसके अलावा है और एक सुपर स्पेशलिस्ट ओरल मैक्सिलोफेशियल डेंटल डॉक्टर मोहम्मद यासीन सौदागर। ये जो है हमारे मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। यहाँ इनके ज़रिए माशाल्लाह बहुत स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट डेंटल का होता है। मेरी दरख्वास्त है कि इनकी महारत जो है बहुत ही उम्दा है, लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ये इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं, डेंचर्स बनाते हैं, और फिर ओरल मैक्सिलोफेशियल एक्सीडेंट में जो फेशियल इंजुरीज होते हैं उसके माहिर हैं ये। कितने भी बड़े इंजुरीज फेस के हो, सो ही गेट्स इट डन वेरी इजीली हियर एट लाइफ केयर। इसके अलावा हैं डॉक्टर मोहम्मद नवाब, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, माशाल्लाह MS हैं, और दिल्ली से हैं, दिल्ली कलकत्ता से इनका ताल्लुक़ है, और इनकी महारत जो है ये ऑर्थोपेडिक्स हैं, बहुत ही माहिर है माशाल्लाह। और तकरीबन ये 6 महीनों में मेरा ख्याल है नॉट लेस देन 300 सर्जरीज, 300 से 300 सवा 300 तक के सर्जरीज इनके हाथों हो चुकी हैं। और ये पहले जो एक सिलसिला था कि हर एक छोटे बड़े ऑर्थोपेडिक केस, एक्सीडेंट हो, फॉल हो, फ्रैक्चर्स हो, तो दूर दूर तक सफ़र करना पड़ता था, अब वो चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल है। अपनी ड्यूटी के अलावा नॉन ड्यूटी आवर्स में भी कोई इमरजेंसी की ज़रूरत हो तो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल एट दी मिडनाइट आल्सो। तो वो तमाम चीज़ें हैं, और उसके साथ वो अपनी पूरी टीम हमेशा तैयार रखते हैं इम्प्लांट्स के साथ या फिर उनके असिस्टेंट्स, OT असिस्टेंट्स के साथ। तो इस तरह से कहीं ज़रूरत पेश आए तो इवन रात को, आधी रात को भी वो इमरजेंसी ऑपरेशंस करते हैं, और माशाल्लाह लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर भी और भी बहुत दूर तक हमें पहुँचना है, दूर अतराव भटकल के। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे बहुत ही माहिर हैं, पूरा फ़ायदा उठाएं हर एक चीज़। बल्कि मैं ये बताऊँ, आपको जान के खुशी होगी कि भटकल जैसे छोटे से गांव में, जहाँ सिर्फ हम 2 साल पहले ही शुरू किए थे, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज 5 हो चुकी हैं, और 5 में से एक तो ऐसे थे जो 78 ईयर्स के थे, एक लेडी थी, तो और एक लेडी जो थी 95 ईयर्स की, जिनको मैंगलोर में डॉक्टर्स ने कहा कि नए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होने दो, सर्जरी पे नहीं जाएंगे, आप वापस ले जाएं। तो वापस उनके घर वाले इधर जब आए, मालूम हुआ, आए, डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर बोले नहीं कर लेंगे और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो उन्होंने किया और सातवें दिन वो भी चल के वापस घर चले गए। सो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, केयर भी, नर्सेस की टीम भी अच्छी है, तो लोग फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा और भी हमारे पास स्पेशलिस्ट, दो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और ये फिजियोथेरेपिस्ट हम बहुत सोच समझ के इस टीम को बनाए कि लोगों में, हमारे माशरे में जो है ख़ास करके ख्वातीन को ये होता है कि एक अगर लेडी फिजियो हो तो उनके लिए ज़्यादा सहूलत होती है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट लेडी है हमारे पास, और उसके अलावा एक मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट मेल भी है, तो इनसे भी फ़ायदा उठाएं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास ऑल द टाइम अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर्स के अलावा, वो मैं बताऊं, 24 आवर्स फार्मेसी है, 24 आवर्स लेबॉरेटरी है, और जो है 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल है। नाइट ड्यूटी भी डॉक्टर हमेशा होता है यहाँ पे, जो आजकल नाइट ड्यूटी डॉक्टर प्रिंसिटा रॉड्रिक्स दे रही हैं, अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रही हूँ। और उसके अलावा जो है बाकी नर्सिंग केयर थ्रू आउट द अराउंड द क्लॉक होता है, ये तमाम चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह आगे जाके इसको मज़ीद हम डेवलप करेंगे। इसके बाद सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने हाल ही में सुना था कि यहाँ से ये दूसरी ब्रांच जो है इसकी मुगली होंडा में दानिश होटल जो है वो उस वहाँ पर लाइफ केयर की दूसरी ब्रांच होने वाली थी। इस सिलसिले में क्या प्रोग्रेस है और क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? सही सुना था, ये बात बीच में चली थी, चल पड़ी थी, और वो इस वजह से था कि हम कोशिश कर रहे थे कि यहीं पे जो है ऊपर वाले लेवल्स पे हम अपना इसको बढ़ाएं। तो उस वक्त हमें इसकी तरह हमारे लैंडलॉर्ड की तरफ से वो चीज़ मिल नहीं रही थी, उनकी अपनी कुछ रीजंस थे, तो उसकी वजह से जो है हम ज़रा दूसरी तरफ देखना पड़ा, तो वो चीज़ पर हमारी नज़र गई और वो डील बनी थी। लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात पेश आई कि जो है हमारे इसी लैंडलॉर्ड ने दोबारा सोचा उस पर, और फिर बैठ के बात हुई, तो वो यहाँ पे ही उन्होंने हमें जो है रजामंदी दे दी। तो अब ऐसा है कि उस चीज़ को हम वहीं पे छोड़ दिए हैं एज इट इज़, वहाँ पे नहीं बनेगा लाइफ केयर का एक्सटेंशन। बस इसी बिल्डिंग में अपर के जो भी लेवल्स हैं और टेरिस के, इन तमाम अपर फ्लोर्स को हम डेवलप कर रहे हैं। अब जो फिलवक्त हमारे पास 10 बेड की कैपेसिटी है, इंशाल्लाह हम करीब 2-3 महीने में इसी हॉस्पिटल में तकरीबन 50-60 बेड की फैसिलिटी बनेगी, और इसमें एक एक्सक्लूसिव कैजुअल्टी होगा, जो बिल्डिंग के पीछे पार्किंग एरिया है वहाँ पे कैजुअल्टी एरिया बनेगा, और फिर ऊपर के लेवल्स पे बेड्स होंगे, और फिर थर्ड लेवल पे एक नया ओटी होगा। ओटी के अलावा और एक द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन भटकल एक आईसीयू रहेगी। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ के साथ इंशाल्लाह और एक 2-3 महीने में दोबारा हम इसको और एक इंशाल्लाह रीलॉन्च टाइप पर करेंगे विद ऑल द न्यू एमिनिटीज, इंशाल्लाह ये ख्याल है सर। और आवाम में भी ये बात ज़्यादा गर्दिश करती है कि लाइफ केयर में जो है चार्जेस बहुत लिए जाते हैं आवाम के पास, और वो इस तरह की बातें भी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस सिलसिले में लाइफ केयर के डेस्क से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? राइट, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आम सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये इनका ये ख्याल है कि यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। तो मैं थोड़े वाजे करूँ यहाँ पे, जब हम यहाँ पे कीमतें प्राइस लिस्ट जो बनानी होती है वो उसको बनाते वक्त बहुत सारे चीज़ों को हमने कंसिडर किया था, अतराफ और दूर दूर तक भी, भटकल विद इन भटकल भी, जो रेट्स अवेलेबल हैं उसको भी हम मद्देनज़र रख के एक ऐसी लिस्ट बनाई थी कि उन तमाम चीज़ों से हमारे प्राइजेस कम हो। और अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत यानी अक्सर चीज़ें जहाँ की फैसिलिटीज़ की बात होती है, मतलब एक्सरे हो, लैब चार्जेस हो, बहुत कम है, काफ़ी कम है। थोड़े कंप्लेंट ये थी कि फार्मेसी में डिस्काउंट्स नहीं होते, बाकी तरफ सब डिस्काउंट होते हैं, तो उसको भी हमने बहुत गौर व फिक्र करके हाल ही में वो रूल भी चेंज किया है। अब यहाँ पे पिछले महीने से फार्मेसी मेडिसिंस में भी डिस्काउंट शुरू किए हैं, और लोगों को भी आहिस्ता सही लेकिन ये मालूम हो रहा है कि रेट्स जो हैं काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि हमें भी इस बात
की ज़रूरत है कि लोगों को लगे कि ये चीज़ महंगी नहीं है, लाइफ केयर में यहाँ पे चीज़ें होती हैं सस्ते दाम में, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबिलिटी मिले लोगों की। इसी वजह से ये इट विल बी वेरी मच अनवाइज ऑन आवर पार्ट अगर हम ये तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है प्राइसेस को बढ़ाएं। तो हमेशा ये बात हमारे दिमाग में होती है जब भी कोई नई चीज़, नई फैसिलिटी की प्राइसेस हमें करना है कि एग्जिस्टिंग रेट्स क्या हो रहे हैं, तो उसके मुकाबले में थोड़ा कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। और थोड़ी चीज़ें जो हैं, एक खुशखबरी मैं देना चाहूँगा इस मीडियम से KNN के, इंशाल्लाह अनकरीब, अनकरीब यानी रियली वेरी वेरी सून, यू कैन से एट द मोस्ट अनदर 10 डेज, भटकल में, लाइफ केयर में इंशाल्लाह हर रोज़ अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होगी फैसिलिटी। तो एक रेडियोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन होने जा रहे हैं बाय फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी इंशाल्लाह, ही विल बी विद अस अवेलेबल ऑन ऑल द डेज ऑफ द वीक, इवन अगर इमरजेंसी की ज़रूरत हो संडे या रात में, वो इंशाल्लाह अवेलेबल रहेंगे। सो ऑल टाइम एंड रेडियोलॉजिस्ट विल बी अवेलेबल इन लाइफ केयर। और ये भटकल के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि एक छोटी सी अल्ट्रासाउंड के लिए जो कभी कभार ज़रूरत होता है प्रेगनेंसी में अक्सर, या फिर यूरिन स्टोन्स मामले में अक्सर, और दर्द इतना बेपना होता है कि उनको फौरी जाके करना होता है, तो उस हालत में दर्द में उनको ट्रैवल करना होता है दूर दूर, होन्नावर या कुंदापुर, तो इंशाल्लाह इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद भटकल में, लाइफ केयर में ही ये तमाम चीज़ें होगी ऑल द टाइम थ्रू आउट द वीक। ये एक अच्छी खबर मैं आपको इस वक्त दे सकता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त दिया और काफ़ी सारी बातें लाइफ केयर के सिलसिले में आपने हमारे साथ शेयर की। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जनाब सलमान अहमद जुबापू साहब, जो कि लाइफ केयर के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो फिर मिलेंगे कुछ ख़ास मुलाकात और कुछ नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, आदाब।